नमस्कार फ्रेंड्स, युविका मशरूम पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से एक खाली कमरे में मशरूम पैदा कर सकते हैं या किसी बेकार पड़े हुए कमरे को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमारा एक बेकार कमरा है। ये कमरा हमारा काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, बनने के बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना इस कमरे में हम मशरूम की खेती करें। और छोटे किसान भी जो मशरूम की जानकारी इससे प्राप्त कर सकें और अपने बेकार कमरों में मशरूम की खेती प्रारंभ कर सकें। अब सबसे पहले तो कमरे में हम आपको रैक बनाना दिखाएंगे। रैक आप किस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बांस इस तरह से खड़े करने हैं, जैसे आपको दिख रहा है रैक की चौड़ाई के अनुसार जो इसमें आपको दिख रहे होंगे। ये हमने रैक बनाने के लिए बांस खड़े कर दिए हैं, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा जिन पे मेरा हाथ रखा हुआ है। उसके बाद इसमें जो हॉरिजेंटल आपको बांस बांधने हैं वो इस तरह से इसके अंदर डाल देने हैं, जितने भी आपको बांधने हैं। उसके बाद आपको इनकी इस तरह से बंधाई करनी है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको इनकी बंधाई करनी है। आप इनकी चौड़ाई कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि ये हमने पहली रैक के लिए ये बांस बांधा है, दूसरी रैक के लिए ये है और तीसरा रैक हम इस पे यहाँ बनाएंगे। फ्रेंड्स, ज़मीन पे पड़े हुए बांसों को बांधने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह दिखने के बाद, इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इसमें इस प्रकार छोटे छोटे बांस के टुकड़े बांधने हैं, जिससे कि ये एक दूसरे साइड को सपोर्ट मिल सके। और इसमें हम कुछ रस्सियां बीच में बांधकर अपने रैक तैयार कर सकें। इस कमरे को मैं लगभग 500 बैग के लिए तैयार कर रहा हूं। ये इस कमरे की लंबाई चौड़ाई 15x10 फीट है, जिसमें मैंने 1.5 फीट का ये और 2.5 फीट का एक ये रास्ता काम करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो आप आशा करता हूँ दी गई जानकारी समझ पाए होंगे। अभी मैं इसमें एक बारी आपको वीडियो में फाइनल रूम बनने के बाद भी इसकी जो है आपके साथ तस्वीरें साझा करूँगा। फ्रेंड्स, रैक बनाने के बाद हमने उसमें कुछ इस प्रकार छोटे छोटे डंडे बांस के बांध दिए हैं, जिससे कि बैग उसमें आराम से इनके ऊपर टिक सके, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें हमारे एक बार में एक लाइन में 4 बैग आ जाएंगे। और ये जो हमारा रूम है ये लगभग 500 बैग के लिए तैयार किया है। आशा है आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।